दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत हर औरत अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए रखती है, लेकिन अगर किसी शादीशुदा जोड़े को अभी तक संतान सुख न मिला हो तो तब वो क्या करे? ये सवाल हर किसी के मन में जरूर आएगा, तो इसके लिए हम समाधान भी लेकर आए हैं। कहते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन अगर कोई निसंतान दंपति राधा कुंड में स्नान कर ले तो उसे साल भर के अंदर ही संतान का सुख प्राप्त होता है। जी हाँ, ये बात सच है, लेकिन इसके लिए मन में सच्ची भावना का होना बेहद जरूरी है, तभी श्री राधा रानी अपने भक्तों की झोली भरती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में वहाँ के लोगों से। देखिए, मेरा नाम दान बिहारी शुक्ल है और मैं राधा कुंड का निवासी हूँ, यहाँ का तीर्थ पुरोहित। माना जाता है कि यहाँ राधा कुंड में स्नान करने से कोई संतान प्राप्ति होता है और अयोध्या में काफी मेला का विवाद है, क्या कोई कहोगे, क्या मान्यता है इसकी? देखिए, यहाँ रात के 12 बजे, कल रात के 12 बजे यहाँ पर एक मेला लगेगा और जो मेला है ये राधा कुंड और श्याम कुंड के दोनों कुंडों पर लगेगा। किसी के संतान नहीं होती है, संतानों के मर जाती है, लड़की लड़कियों लड़का नहीं होता, कोई बच्चे भी नहीं होते हैं, तो यहाँ स्नान करने से पुत्र प्राप्ति होती है। ये राधा कुंड है, स्वयं राधिका जी ने अपने कंगन से बनाया है। ये बगल में श्याम कुंड है, भगवान ने अपने बंसी से श्याम कुंड बनाया है। इसके लिए एक पेंटे का फल छोड़ना पड़ता है और राधा रानी की स्वाहक पिटारी का जो सामान होता है, साड़ी है, चूड़ी है, बिछिया है, जो यहाँ पर देने पड़ते हैं, और जो लेडीज यहाँ स्नान करते हैं जो पुराने कपड़े को यहीं छोड़ जाते हैं, तो ये राधा कुंड राधा रानी जो पुत्र प्राप्त देने वाली अहोई अष्टमी में ये इसकी मांगता प्राप्त होती है। और जैसे राधा रानी सीधी है, उनका कुंड सीधा है, भगवान बाके तेचे हैं, टेढ़े में उनका कुंड टेढ़ा मिला है। और उस दिन रात के 12 बजे कल यहाँ इतनी भीड़ होगी, आप इतने भी लोग सुन रहे हैं, सब स्नान करने आए। बोली राधा रानी की जय। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।